नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने इंदिरा गांधी सरकार की नींद हराम कर रखी थी। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का और इस फिल्म का निर्देशन किया था अमृत नाहटा ने। दोस्तों, दरअसल यह फिल्म 1974 में बनकर तैयार हुई थी और यह फिल्म 1975 में रिलीज होने वाली थी। तो 1975 में इमरजेंसी के दौरान कोई भी फिल्म जब बनती थी तो सरकार पहले उस फिल्म को देखती थी, फिर रिलीज करने का आदेश देती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उस फिल्म में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का एक प्रोजेक्ट पर जो वह काम कर रहे थे वह था ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, जिसमें उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में मजाक उड़ाया गया था। और दूसरा, इस फिल्म में इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाया गया था। तो उस दौरान संजय गांधी और सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने उनकी इस फिल्म पर आपत्ति जताई थी। तो उस दौरान इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने करीब 51 आपत्तियां दर्ज की थीं और जहां जहां उनकी आपत्तियां थीं वहां पर कट लगाकर फिर से इस फिल्म को रिलीज करने की बात कही गई थी। लेकिन इस फिल्म के निर्देशक अमृत नाहटा इस बात पर कतई तैयार नहीं थे। वह चाहते थे कि यह सरकार जिस नीति पर काम कर रही है और करती है उस वास्तविकता को अपनी फिल्म में वह दिखाना चाहते थे। दोस्तों, निर्देशक अमृत नाहटा जब अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर सरकार ने इस फिल्म के सारे प्रिंट जब्त कर लिए थे और यहाँ तक कि संजय गांधी पर आरोप लगा कि उनके इशारे पर इस फिल्म के प्रिंट्स को जलवा दिए गए थे। दोस्तों, इसी बीच इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी और अमृत नाहटा भी इस चुनाव में खड़े हुए थे और जनता पार्टी से वह जीत कर सांसद भी बने और उनके फिल्म के प्रिंट को जलाए जाने को लेकर उन्होंने कोर्ट में केस किया था। और जब यह मुकदमा चला तो संजय गांधी और सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल दोनों आरोपी पाए गए और कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि यह फैसला बाद में पलट दिया गया और 1 महीने के अंदर ही संजय गांधी जेल से छूट गए थे। दोस्तों, निर्देशक अमृत नाहटा ने 1977 में दोबारा इस फिल्म को बनाया और यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई। दोस्तों, पहली जो ओरिजिनल फिल्म थी जिसके प्रिंट्स जला दिए गए थे तो उस फिल्म में प्रमुख भूमिका में राज बब्बर थे, लेकिन दोबारा जब इस फिल्म को बनाए जाने की बात हुई तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। और दूसरी बार बनाई गई इस फिल्म में अभिनेता राज किरण, शबाना आजमी, सुरेखा सीकरी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों, जिस दौरान यह फिल्म बनी थी और जिस तरीके से यह फिल्म चर्चा में आ गई थी, जिसने इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी थी और यहाँ तक कि इस फिल्म ने ही संजय गांधी को जेल तक का रास्ता दिखला दिया था। दोस्तों, यह फिल्म किस्सा कुर्सी से जुड़ी जो भी जानकारियाँ आप लोगों से साझा किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।